आज संजू सर कंप्यूटर क्लास में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। और जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं उस सभी को गार्जियन एवं माताएं बहनें जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है या वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट ज़रूर करें। कमेंट्स करने से मुझे भी पता होता है कि हम किस तरह की वीडियो बना रहे हैं, हमको वीडियो में कहाँ पे कमी है, इसके वजह से हम अगला वीडियो में और अच्छी ढंग से वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोग को सोचने समझने में बहुत आसानी होगा। आज का टॉपिक जो है डेस्कटॉप पर, जो हम लोग राइट क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं, जो स्क्रीन पे राइट क्लिक करते हैं, जो ऑप्शन आता है उसके बारे में आज हम डिटेल्स में आपको बता रहे हैं। जैसे स्क्रीन पर जब राइट क्लिक करते हैं तो सबसे फर्स्ट में आप देखते हैं कि जब हम लोग व्यू लिखा आता है, लेकिन कोई आदमी को इतना पता नहीं होता कि व्यू होता क्या है, उससे क्या है, क्या होता है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं। जब आप रिफ्रेश करते हैं तो कंप्यूटर क्या होता है, पुनः ताज़ा होता है। रिफ्रेश का मतलब होता है पुनः ताज़ा होना, ठीक है। जैसे कि आपको हम एक एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, जैसे मेरे किसान भाई या कोई भी मजदूर भाई अगर कोई चीज़ काम करते हैं, कहीं पे काम करते हैं, तो उन लोग काम करते करते जब थक जाते हैं तो उन लोग के रिफ्रेश होने के लिए एक देखे होंगे हम लोग जो बोलते हैं इसको खैनी जो बोलते हैं, उन लोग क्या करते हैं, एक गिलास पानी पी लेते हैं या तो खैनी बना कर क्या करते हैं खा लेते हैं, तो उन लोग क्या हो जाते हैं, पुनः ताज़ा हो जाते हैं और फिर से वो काम करने लगते हैं। उसी तरह से एक मेरा कंप्यूटर है जो कि काम करते करते कंप्यूटर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो कंप्यूटर क्या हैंग हो जाता है। हैंग का मतलब होता है लटकना, यानी कि वो सही ढंग से नहीं काम करता है। उस समय हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। जब रिफ्रेश करते हैं तो मेरा कंप्यूटर क्या हो जाता है, यानी कि फिर से अच्छी ढंग से चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो रिफ्रेश का मतलब होता है पुनः ताज़ा करना, यानी कंप्यूटर को ताज़ा करना, तब कंप्यूटर मेरा जो हैंग करेगा वो कंप्यूटर फिर क्या हो जाएगा, पुनः ठीक से चलना स्टार्ट कर देगा। उसी तरह से जब फर्स्ट ऑप्शन जब हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन जो आता है जिसका नाम है व्यू। देखिए, आप अगर वर्ड को, अगर मीनिंग को अगर बढ़िया से समझते हैं तो जो जो क्वेश्चन का आंसर है उसी में छुपा हुआ है। तो व्यू मीन्स होता है देखना, व्यू मीन्स क्या होता है, देखना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज आइकन्स, द लार्ज मीन्स बड़ा। अब आइकन्स जो हम लोग जो वहाँ पे दिखता है फोल्डर या कोई भी फाइल, उसी को हम लोग बोलते हैं आइकन। तो लार्ज मतलब बड़ा, अब आइकन्स मतलब जो हम लोग फाइल या फोल्डर जो बना कर रखते हैं उसी को बोलते हैं आइकन। तो जैसे हम लोग लार्ज आइकन्स करेंगे वो क्या हो जाएगा, पूरा बड़ा बड़ा आपको दिखने लगेगा, पूरे आइकन्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आपको डेस्कटॉप पे जो भी स्क्रीन पे आपको जो फाइल फोल्डर रहेंगे वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मीडियम आइकन, मीडियम आइकन का मतलब होता है कि आपको मीडियम आइकन्स हो जाएगा। स्मॉल मतलब छोटा, यानी कि स्मॉल मतलब छोटा, यानी कि स्मॉल जब कर दीजिएगा तो आपका छोटा छोटा आइकन्स हो जाएगा। इसके बाद लिखा है कि ऑटो अरेंज आइकन्स, ऑटो अरेंज का मतलब होता है कि सही ढंग से कोई भी फाइल या फोल्डर को रखना, ठीक है, सजा कर रखना, ठीक है। ऑटो अरेंज, ऑटो अरेंज मतलब ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि इस पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो कहीं भी आपको डेस्कटॉप पर कोई इधर छितर बितर करके आप रखते हैं, या कोई इधर रख दिया, कोई लेफ्ट कोई राइट कोई टॉप इधर उधर अगर कोई भी फाइल फोल्डर अगर कोई रख दिया है तो वहां पे ऑटो अरेंज आप कर देते हैं, ठीक है। ऑटो अरेंज कीजिएगा तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका जितने भी आइकन्स है एक तरफ पूरा अरेंज करके, यानी कि सही ढंग से आपका वहां पे जाकर सज जाएगा और आपका स्क्रीन बहुत बेस्ट दिखने लगेगा, आया समझ में, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे अलाइन आइकन टू ग्राइड, अलाइन आइकन टू ग्राइड का मतलब होता है कि जो आप फाइल या फोल्डर रखे हैं उसको ग्रिड किए अपने, यानी कि थोड़ा सा, यानी कि इतना इतना ग्रिड कितना आप इधर उधर कर सकते हैं आप, ठीक है, ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि शो डेस्कटॉप आइकन्स। जैसे कि आपका डेस्कटॉप पर बहुत सारा आइकन्स क्या है, फुल हो गया है,
यानी कि आपका जो रिफ्रेश करने की जगह नहीं है, तो उस समय आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, शो डेस्कटॉप आइकन जो लिखा हुआ है जब उस पर क्लिक करते हैं तो पूरा आइकन से आपको क्या हो जाता है, आपको हाइड हो जाता है। अगर इसी पे क्लिक कीजिएगा तो पूरे आइकन हाइड भी हो जाएगा, और इसी पर जब क्लिक करते हैं तो आपको पूरा आइकन क्या हो जाएगा, आपको शो भी हो जाएगा। तो दो ऑप्शन यहाँ से आपको दिखाई देगा। इसके बाद लिखा है शो डेस्कटॉप गजेट। शो डेस्कटॉप गजेट का मतलब ये होता है जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पे जैसे कि वॉच रखना चाह रहे हैं, यानी कि घड़ी रखना चाह रहे हैं, टाइम देखना चाह रहे हैं, कैलेंडर रखना चाह रहे हैं, सीपीयू का टेम्परेचर देखना चाह रहे हैं, तो आप चाहें कि नहीं हमारा यहाँ पे कैलेंडर क्या है राइट साइड में दिखे, या कहीं भी आप रख सकते हैं डेस्कटॉप पर स्क्रीन पे कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे शो गजेट जैसे कीजिएगा वहां पे आपका कैलेंडर दिखाई देगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कैलेंडर आप ला सकते हैं, ऑटोमेटिक अपने से कैलेंडर आप ला सकते हैं, और इसी पर जब क्लिक करते हैं यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में ये आपका आएगा, सेकंड में आएगा सोर्ट बाय। सोर्ट बाय का मतलब होता है यहाँ पे नेम साइज आइटम और मॉडिफाइड लिखा हुआ है। तो नेम का मतलब ये होता है कि जो फोल्डर आप नेम के अनुसार कीजिएगा और नेम हो जाएगा, साइज के अनुसार हो जाएगा साइज हो जाएगा, अब आइटम के अनुसार कीजिएगा तो आइटम हो जाएगा। अब डेट फोल्ड मॉडिफाई का मतलब होता है, ये समझ लीजिए पूरा समझ जाएगा। डेट मॉडिफाई का मतलब होता है कि जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो जैसे जैसे मोबाइल में हम लोग डायल नंबर करते हैं तो जो पहले वाला जो डायल होता है वो खत्म होते जाता है, और जो अभी फिलहाल में करते हैं वो रह जाता है। उसी तरह से है डेट मॉडिफाई, जैसे कि पहले वाला जो फोल्डर हम बनाएंगे वो फोल्डर नीचे चला जाएगा, और जो तुरंत बनाएंगे वो सबसे ऊपर रहेगा। तो डेट मॉडिफाई का मतलब ये होता है, ठीक है। अब रिफ्रेश का मतलब हम बताइए, रिफ्रेश का मतलब पुनः ताजा होना, पुनः सर्वताजा हो जाना, ठीक है, उसी को रिफ्रेश बोला जाता है। रिफ्रेश मतलब दोबारा ताजा करना, जैसे कंप्यूटर आपका हैंग करने लगा, लटक गया, काम नहीं कर रहा है, तो उस समय में ऐसा नहीं कि कंप्यूटर को उठा कर पटक देना है, क्या करना है उसको रिफ्रेश कर देना है, ठीक है। जैसे कोई भी काम आप करते करते थक जाते हैं तो उस समय आप क्या करते हैं, एक गिलास पानी पी लेते हैं या थोड़ा सा बैठ लेते हैं, तो आपको क्या होता है, अपना बॉडी में एनर्जी आ जाता है, तो आप क्या हो जाते हैं, पुनः ताजा हो जाते हैं ना। तो उसी तरह से आप कंप्यूटर को भी ताजा कर सकते हैं, ठीक है। आज बस इतना ही, अगले वीडियो के साथ मैं फिर आप लोग के साथ उपस्थित हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करें।